राजधानी पटना से सटे बीटा थाना इलाके में इन दिनों बालू माफियाओं का खौफ इस कदर जारी है कि माफियाओं में पुलिस का डर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिसका नतीजा यह है कि बालू माफियाओं का खौफ के कारण गांव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मिले जानकारी अनुसार पठलौतिया गाँव में अवैध बालू घाट पर जबरन ग्रामीणों की जमीन बालू माफियाओं द्वारा बंदूक के बल पर जमीन काटी जा रही थी, जिसको लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे थे। विरोध करने पर बालू माफिया आधुनिक हथियारों से लैस होकर लगातार फायरिंग कर रहे थे। वहीं इस फायरिंग की घटना में एक ग्रामीण को गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रामविचार राय के रूप में हुई है। इधर ग्रामीण द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के काफ़ी देर बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अस्पताल में भेज दिया। ग्रामीणों के द्वारा गोली चलाने के मामले में दो बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती किया गया है। वहीं घटना को लेकर दानापुर एएसपी ने बताया कि बीटा थाना क्षेत्र के पतलौटिया गांव के बालू घाट पर बालू माफियाओं के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जो इस घटना में एक युवक की गोली लगने से मौत हुई है। साथ ही इस घटना में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घटना के बाद पुलिस आ गई, कार्रवाई में जुटी गई है। इसके अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसटीएफ की टीम के तैनात किया जाएगा, जिसके लिए जगह चुन लिया गया है। हालांकि घटना के बाद से सभी अपराधी फरार हैं। गिरफ्तारी को लेकर एसटीएफ और पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। के प्रोसेस में फिर एक मौत हुई है। सुबह एक करीब 7:30 बजे की एक घटना है। थाने को करीब 8:30-9 के करीब ये सूचना मिली थी कि पथरौटिया घाट अंतर्गत अवैध बालू का खनन किया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ लोगों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई थी। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो ये पता लगा कि एक व्यक्ति जो गांव निवासी हैं रामविचार यादव जो हैं उनको गोली लगी थी सीने में, उनकी मौके पर मौत हो गई थी। उनका शव जो है अभी पोस्टमार्टम के लिए दे दिया गया है। इसके अलावा सूचना मिली है कि और दो लोगों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर हैं फॉर द टाइम बीइंग। और इसमें जो ग्रुप्स जिनने ये वारदात की है उनकी पहचान की गई है। इसमें प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की जा रही है। कौन ग्रुप है ये सर? अभी मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के तौर पे अभी बता नहीं सकता कि कौन ग्रुप है। हमारी रेड छापेमारी चल रही है, तो उसमें जैसे ही आपको सफलता मिलेगी आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, आपको बता दिया जाएगा। सर, घटना के काफ़ी देर के बाद पुलिस पहुंची थी सर। घटना जब थाना को फ़ोन पता लगा था, 8:45 थाना को फ़ोन आया था, उसमें 9 बजे जो है थाना त्वरित कार्रवाई करते हुए पहुंच गया था। क्या एसटीएफ की भी यहाँ तैनाती की गई है? एसटीएफ ऑलरेडी बीटा अंतर्गत रुका हुआ था, उसके लिए एक नई व्यवस्था अभी हमने और थाना प्रभारी द्वारा यहाँ पर पथरौटिया घाट पर की गई है। लोगों के सौजन्य से एक जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है वो दिया गया है, वहाँ पर एसटीएफ की तैनाती की जाएगी और लगातार यहाँ पर निरंतर गश्ती और एरिया डोमिनेशन किया जाएगा।